डॉक्टर रुचि पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से बीएससी स्टूडेंट सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए लेके आई हूँ आज नया टॉपिक डायहाइड्रिक अल्कोहल। इससे प्रीवियस हम अल्कोहल के बारे में इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं। व्हाट आर अल्कोहल्स? दैट मींस द ग्रुप इन विच ओएच इज प्रेजेंट, दिस इज नोन एज द अल्कोहल्स। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट द डायहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक, द मीनिंग इज डायहाइड्रिक, दैट मींस टू ओएच ग्रुप इज प्रेजेंट इन ए कार्बन चेन। बट व्हाट टाइप ऑफ टू ओएच ग्रुप? देखिए, जब एक दिस इज द वन फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, दो अलग अलग कार्बन से दो अलग अलग ओएच अटैच होंगे तो दिस इज नोन एज द डायहाइड्रिक। सेम कार्बन से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से अटैच होंगे तो दिस टाइप ऑफ अल्कोहल इज नोन एज द डायहाइड्रिक अल्कोहल। जनरल इन्फॉर्मेशन देखिए, दीज कंपाउंड कंटेनिंग टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट मीन्स ओएच ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल्स, दीज आर डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड, बिकॉज यू नो दैट ओएच इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्केन्स। Their general formula is CnH2n plus 2O2. CnH2n. CnH2n is the general formula of alkane. But 2O2, that means 2 oxygen extra present. 2 oxygen kya honge? Extra honge. That means OH ke terms mein honge. So that is known as the dihydric. The simplest and most important dihydric alcohol is ethylene glycol. Jo hamara sabse simplest dihydric alcohol hamara jo hota hai, wo hota hai ethylene glycol. Jo hamari daily life mein bhi use hota hai. यूज एज ए कार रेडिएटर, कार रेडिएटर में जो यूज होता है उसका यूज, वो क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल एंटीफ्रीज की तरह। दे आर क्लासिफाइड एज ए अल्फा बीटा गामा ग्लाइकोल्स अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज अल्फा 1,2 डाई ग्लाइकोल, बीटा 1,3 डाई ग्लाइकोल एटसेट्रा। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोजिशन एंड एक बोर्डर, इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू अल्फा बीटा एंड गामा अकॉर्डिंग टू द पोजिशन। दैट मीन्स दिस इज द कार्बन चेन। इमेजिन करिए, दिस इज द कार्बन चेन। फॉर दिस कार्बन चेन, फर्स्ट कार्बन वेयर द ओएच ग्रुप इज प्रेजेंट, जहां पर ओएच ग्रुप प्रेजेंट होगा, दिस इज नोन एज द अल्फा कार्बन। सेकंड, उसके रिस्पेक्ट में कार्बन जो होगा बीटा कार्बन। नेक्स्ट कार्बन इज द गामा कार्बन और डेल कार्बन। इसके बाद अगर कोई कार्बन होगा, कार्बन की चेन सपोज इसके आगे है, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप। सेकंड, थर्ड के बाद जो भी एक्स्ट्रा कार्बन होंगे, ऐसा तो है नहीं कि तीन कार्बन की चेन होती है, यू नो दैट दैट इज इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, सो ऑन। कार्बन की चेन बढ़ती जाती है कार्बन के साथ साथ। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन से, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन तक थ्योरी चलती है। उसके बाद अबव जितने भी कार्बन होंगे, थर्ड कार्बन तक, दैट इज नोन एज द गामा कार्बन। और थर्ड कार्बन को आप गामा भी कह सकते हो और डेल भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हैं, गामा, या कई लोग क्या कहते हैं, डेल, मतलब 3 अबव, दैट इज नोन एज द डेल कार्बन। ग्लाइकोल अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशन टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, दो ओएच ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उनको 1,2 और 1,3 ग्लाइकोल कहेंगे। क्या कहा हमने? दूसरा, अकॉर्डिंग टू द कार ओएच ग्रुप, दिस इज 1,2 और 1,3। 1,2 और 1,3 का मतलब हो गया दिस इज द कार्बन चेन। फर्स्ट कार्बन से ओएच ग्रुप है और सेकंड कार्बन से भी ओएच ग्रुप है, तो दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन। ठीक, सपोज सेकंड कार्बन से ग्रुप ओएच अटैच नहीं है, दिस और किस कार्बन से अटैच है, थर्ड कार्बन से अटैच है, सो दिस इज नोन एज 1,3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फा, ये हमारा हो गया बीटा, ये हो गया हमारा क्या, गामा। ठीक, और ये सपोज आपका सेकंड कार्बन से अटैच है, सो दिस इज द ओएच ग्रुप, दिस इज आल्सो ओएच ग्रुप, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओएच ग्रुप, दिस इज नोन एज अल्फा, बीटा, गामा और 1,2 और 1,3 डायोल्स। डायोल्स मीनिंग मीन्स टू ओएच ग्रुप इज प्रेजेंट। डायोल, डाई मीन्स दो और All means OH group is present, so this is known as the dihydric alcohol. इसे हम क्या किस नाम से nominate करते हैं? Dihydric alcohol के नाम से nominate करते हैं। ठीक, अब आपका कुछ IUPAC name है डायोल्स के। देखिए, first carbon, this is the first carbon, second carbon, third carbon, first carbon, second carbon, first carbon, second carbon. आप कहीं से भी nominate कर सकते हैं, क्योंकि OH group दोनों साइड से इक्वल पड़ा IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से नेमिंग करते हैं, तो हमारे यहाँ से फंक्शनल ग्रुप करते हैं, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन, दो पोजीशन हो गई, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन, दोनों पोजीशन सेम है। तो फर्स्ट पोजीशन से ओएच ग्रुप है और सेकंड पोजीशन से कितने ग्रुप है, दो। नंबर ऑफ कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, कितने कार्बन होंगे, टू कार्बन। टू कार्बन मीन्स एथ, वन कार्बन मीन्स मेथ, तो दिस इज एथ, सिंगल बॉन्ड है ए, सो दिस इज एथेन। ऑफ फर्स्ट कार्बन से ओएच ग्रुप है, सेकंड कार्बन से ओएच ग्रुप है, तो कितना ग्रुप होगा, फर्स्ट और सेकंड से ओएच ग्रुप है, टू होगा। कितनी बार ग्रुप है, ओएच ग्रुप दो बार है, तो डाई। सो ऑन द बेसिस ऑफ आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी रूलिंग, इट्स नेम इज इथेन 1,2 डाइऑल।
पहले हमने कार्बन की नेमिंग करी, फिर उसके बाद कार्बन में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप के नंबर काउंट करके उनको डायोड ट्रायल में इंट्रोड्यूस कर दिया। सेम वे इसमें नंबरिंग करने की बात आती है, तो जब इसमें नंबरिंग करने की बात आएगी तो आप इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, देखिए पहले काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, यहाँ से कर रहे थे आपकी कितनी पोजीशन आ रही है 4, ठीक है, यहाँ से कर रहे थे 1 2 3 4। सो अब कहीं से भी नेमिंग कर लीजिए, OH ग्रुप दोनों साइड से सेम है, सो दिस इज 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन को आप क्या कहते हैं, ब्यूट, इथेन, सॉरी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो दिस इज ब्यूटेन। और कौन से कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर और थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो ब्यूटेन 1 3, क्योंकि OH ग्रुप दो टाइम है तो डाई ओ, इट्स नेम इज ब्यूटेन 1 3 डाई। तो ये थे आपके कार्बन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के रूप में। सपोज रिंग वाले कंपाउंड आ गए, यू नो दैट एरिन्स आ गए, एरिन्स आ गई, तो नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिंग, हम किसके बेसिस पर करेंगे रिंग। मैंने दो एग्जांपल लिए हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के, दो एग्जांपल लिए हैं हमने रिंग हाइड्रोकार्बन के, रिंग। अब इसमें रिंग में नंबरिंग करते हैं स्पेशली ध्यान दिया जाएगा कि OH ग्रुप कहाँ से नियरेस्ट है, क्योंकि रिंग में सारे रिंग के कार्बन की पोजिशन क्या होती है, बेंजीन में सेम होती है, समान मानी जाएगी। तो हमने यहाँ से नेमिंग करी, देखिए 1 2 3, यहाँ से 3 करी हमने, ऐसे करी 1 2 3 4 5, कितने हो गया 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया 5 है, यानी कि पेंटेन है, क्योंकि इसमें रिंग नहीं है, अगर रिंग होती तो ये बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाती है, और रिंग नहीं है तो प्रीफिक्स क्या इंट्रोड्यूस होगा, साइक्लो, तो इट्स नेम इज साइक्लोपेंटेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके बेस बोन का नाम लिख दिया, हमारी इसकी बेस जो बोन है हमारी बेंजीन रिंग है, लेकिन इसमें रिंग नहीं है तो इसके हमने आगे प्रीफिक्स क्या लगाया, साइक्लोपेंटेन। यहां तक कंप्लीट होगा। अब इसके बाद हम इसके सेट ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, सेट ग्रुप में फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है, ऑल है, तो 1 2 डायोल हो गया, कंप्लीट हो गया नेमिंग। उसके अलावा हमारा इसमें एक ये ब्रांच एक्स्ट्रा निकली दिख रही है आपको, ये फोर्थ पोजीशन पे जो दिख रही है वो कौन सा ग्रुप है, कार्बन की चेन है, तो कार्बन की चेन को क्या बोलोगे, एक कार्बन की चेन है, कौन सी पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर, तो इट्स नेम इज 4-methyl-cyclopentane-1,3-diol। जब भी नेमिंग करें ये ध्यान रखिए कि आपको ब्रेक कर करके नेमिंग करनी है। सेम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसमें नंबरिंग की बात आती है तो हम ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, तो रिंग में नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने ऐसे प्रायोरिटी दी, जरूरी नहीं है आप ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, कार्बन 6 ही है, ठीक। 6 कार्बन को कहते हैं हेक्सेन, ठीक, क्योंकि इसमें रिंग नहीं है, रिंग नहीं है तो इसको हम इसके आगे से प्रीफिक्स लगा देंगे साइक्लोहेक्सेन। यहाँ तक नाम कंप्लीट हो गया, बेस बोन जो आपकी जिसको हम बेस बोन लेके कहते हैं उसका नाम कंप्लीट हो चुका है। अब साइड ग्रुप बचे हैं, कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर। जब आपने यहां से नंबरिंग करी तो आपकी ये पोजीशन फर्स्ट आई, सपोज आप यहां से नंबरिंग करेंगे तब भी इसकी पोजीशन कौन सी आ रही है, फर्स्ट आ रही है, तो फर्स्ट यहां से लीजिए, यहां से लीजिए, हमने फिलहाल ये लिया है, तो 1 2 डायोल, इट्स नेम इज 1 2 डायोल, तो इट्स नेम इज साइक्लोहेक्सेन 1 2 डायोल। बट कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि ये तो हमने कहा कि साइक्लोहेक्सेन 1 2 डायोल, बट कभी कभी प्रॉब्लम हमारे पास तब आती है जब आपकी रिंग में तो प्रीफिक्स था आपका, आपका रिंग नहीं बनी थी, अब सपोज रिंग बनी होती, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ले लेती हूँ, ये आपका है क्वेश्चन है आपका, इसमें रिंग बनी होती, ठीक है, और हमने यहाँ पर बिना रिंग के दिया, तो ये हो गया आपका रिंग वाला कंपाउंड। तो अब इसके आगे काउंट करेंगे सेम वही प्रोसीजर, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन, 6 कार्बन का मतलब हो गया कार्बन की चेन 6 है, दैट मींस हेक्सेन, ठीक, बट इसमें रिंग बनी हुई है तो इसलिए इसके आगे साइक्लो नहीं लगेगा प्रीफिक्स, इसके आगे साइक्लो लगेगा, जब सवाल ही उठता है क्योंकि ये बेंजीन को बिलोंग करता है, ठीक है, तो ये बेंजीन हो गया और इसके साथ हो गया OH ग्रुप, ठीक है, तो इसको बेंजीन क्या कह सकते हो, बेंजीन के साथ OH, बेंजीन 1, ठीक है, या बेंजीन 1, या आप इसका नॉर्मल नेम जो आपका मार्केट नेम होता है कहते हैं नॉर्मल नेम लिख सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं फिनॉल, बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं फिनॉल, बट दिस इज नॉट ए रिंग कंपाउंड, इसलिए इसने हम इसके आगे हमने प्रीफिक्स का लगाया, हमने साइक्लो को इंट्रोड्यूस करा था, अगर ये बेंजीन रिंग होती तो हम इसको बेंजीन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते। नेक्स्ट है आपका हाउ यू प्रिपेयर द डायोल्स, हम कैसे प्रिपेयर को करेंगे, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे डायोल्स को, डायोल्स आप समझ गए हो, डायोल्स का मतलब कौन सा ग्रुप हो गया आपका OH ग्रुप, ठीक। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डाइहाइड्रिक अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग डिफरेंट मेथड्स फ्रॉम इथाइलीन, फर्स्ट मेथड हम कौन सा ले रहे हैं, इथाइलीन, इथाइलीन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इथाइलीन बोला इन, दिस इज द इन, इन मींस हो गया आपका डबल बॉन्ड, ओके। इथाइलीन में हम क्या कर रहे हैं, KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, यू नो दैट KMnO4 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो हमने इथाइलिन के मोनोफोर्स यानी कि हमारा क्या है बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। बेयर्स रिएजेंट है तो मीडियम थोड़ा सा एक्वस होता है, थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी होती है। सो ये इथाइलिन है बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक्वस मीडियम के प्रेजेंस में करेंगे, यू नो दैट वाटर ब्रेक होता है एच प्लस एंड OH माइनस। ये वाटर का क्या काम करेगा, ये वाटर डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो H2O जब ब्रेक हुआ H प्लस OH में ब्रेक हुआ तो एक OH यहाँ आके ऐड हो गया, एक OH यहाँ आके ऐड हो गया, तो दिस इज CH2 और ये OH यहाँ आके ऐड हो गया, ये कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, ये CH2 एज इट इज रहा, बट रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास H प्लस रहा, ये H प्लस और ये ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ बेयर्स रिएजेंट, तो ये H प्लस और ये वाला जो ऑक्सीजन बचा है ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर यहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे OH। तो द प्रोडक्ट इज व्हाट, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल जिसे हम कार रेडिएटर में यूज करते हैं एंटीफ्रीज की तरह से, जो आपको मैंने भी बोला था इसको हम किस तरह से यूज करते हैं कार रेडिएटर की तरह एंटीफ्रीज की तरह यूज किया जाता है जब समर सीजन में कार क्या जाती है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। सेकेंड है सेकेंड मेथड टू प्रिपेयर द डायोड्स विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, सिल्वर के प्रेजेंस में हम ऑक्सीडाइजिंग की प्रोसेस करेंगे। तो फर्स्ट फिर हमने वही रिएजेंट लिया, हमने फिर स्टार्टिंग जो लिया स्टार्टिंग रिएक्टेंट इज द एल्कीन, सेम वही प्रोसीजर लिया एल्कीन की ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, अब हमारा कैटलिस्ट चेंज हो चुका है, हमने क्या लिया सिल्वर लिया है, बात वही है हमें किसी भी तरह से उसको क्या करना है एक दूसरे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके लास्ट में डायोड से कन्वर्ट करना है। तो सिल्वर के प्रेजेंस में इट शुड बी कन्वर्टेड इन टू साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड CH2 CH2 तो है ही, ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटा और यहाँ मूव हो गया ठीक है, और ऑक्सीजन हाफ दे रखा, ऑक्सीजन हाफ का मतलब क्या हो गया एक ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया तो हमारा प्रोडक्ट बन गया साइक्लोप्रोपेन। तो ठीक है साइक्लो हो गया और प्रोपेन नहीं रहा, ये यहाँ पर प्रोपेन का ओ सी हट के वहां पर क्या हो गया और ओ आ गया ठीक है। आप साइक्लिक कंपाउंड में हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस करोगे, साइड्रोलाइसिस ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या लिख रखा है वाटर लिख रखा है, तो दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, किसकी प्रेजेंस में वाटर की प्रेजेंस में, सेम वे प्रोसीजर जब वाटर की प्रेजेंस में करेंगे तो देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ था, मैंने ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बॉन्ड या तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा ये बॉन्ड राइट हैंड साइड जाएगा, कहीं किसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड या ब्रेक हो हमारा और ये ब्रेक होके या तो लेफ्ट हो जाएगा या राइट हो जाएगा, तो फिलहाल हम किसी डायरेक्शन मूव करा देते हैं, फिलहाल ये बॉन्ड ब्रेक होके ऐसे आ गया ठीक है। तो वाटर आपको पता है वाटर किस तरह से ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस में, सो दिस O सिंगली प्रेजेंट है आपका सिंगली है तो O पर कैसे चार्ज होता है नेगेटिव, उस नेगेटिव के साथ क्या होगा एच आके जुड़ गया तो बना हुआ प्रोडक्ट क्या हो गया OH। सो दैट मीन्स क्या प्रोडक्ट बना, देखिए ये आपका रिंग कंपाउंड था, हमारा प्रोडक्ट बना CH2 और ये सिंगल O रखा हुआ था, O के साथ क्या जुड़ गया H2 और ये CH2 पर कैसे चार्ज हो गया रिमेनिंग OH आकर यहाँ पर आकर जुड़ गया और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया डायल्स यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा प्रोडक्ट के रूप में फाइनल हो गया। नेक्स्ट मेथड है विद HOCl, HOCl के साथ किसका किसको बनाना है फिर ग्लाइकोल को हम किसके साथ बनाएंगे HOCl के साथ। आप देखिएगा जितने भी प्रोडक्ट बन रहे होंगे ग्लाइकोल के उसमें वाटर का मेन रोल है क्योंकि वाटर में ही H और OH प्रेजेंट होता है, तो हमने लिया फिर वही बात CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन ली, तो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन लेके HOCl के हाइपोक्लोरस क्लोराइड कहते हैं इसे ब्रेक करा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि HOCl जो होता है Cl भी नेगेटिव चार्ज होता है OH भी नेगेटिव चार्ज होता है, बट इन हाइपोक्लोरस क्लोराइड में OH नेगेटिव की तरह काम करता है और Cl किस तरह काम करता है पॉजिटिव की तरह, बॉन्ड ब्रेक कर लीजिए चाहे लेफ्ट को ब्रेक करिए चाहे राइट को ब्रेक करिए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, सपोज इधर को ऐड करा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर नेगेटिव आ गया, सपोज इधर लेफ्ट को डाला तो इधर पॉजिटिव आ गया इधर नेगेटिव, आप कहीं पर भी ऐड कर लीजिए हमने बॉन्ड ब्रेक करके दिखा दिया ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव होने से पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ऐड कर दिया, दिस इज पॉजिटिव तो हमने यहाँ क्या ऐड कर दिया OH, दिस इज नेगेटिव हमने इसके साथ क्या ऐड कर दिया सी, सेम ये बन गया। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ इसमें कौन इसका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन करने पे हमें क्या निकालना है हमें जो एलिमिनेट करना है हम उस पर ध्यान देंगे, हमें निकालना है हमारा OH बन चुका है हमें डायोज बनाना है तो हमारा OH तो बन चुका है हमारे है CH2 और दिस इज OH ठीक है, दिस इज CH2 और हमारा इसके साथ क्या जुड़ गया OH,
OH जुड़ने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, हाइड्रो आपका NaH CO3 का ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, यहाँ से लिया Cl और यहाँ से लिया Na, सबसे पहले हमने क्या बाहर एलिमिनेट करा, NaCl को बाहर निकाल लिया, देखिए बाहर निकाला है, रिमेन क्या निकल गया CO2, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में, क्लास 10th में भी था, 11th में भी था, 12th में भी था, दिस इज द डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल NaCl एलिमिनेट हो गया, सेकेंड इज द CO2 रिमूव हो गई, CO2 रिमूव हो जाती है, अब बचा क्या, O बचा था और CH बचा था, यहाँ से O बचा और ये H बचा, दोनों को O और H यहाँ पर आकर ऐड हो गया, हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, डायब्रोमो। सेम वही फोर्थ मेथड है, फ्रॉम 1-2 डायब्रोमो इथीन, 1-2 डायब्रोमो इथीन के थ्रू हमारा क्या बनाना है, प्रोड्यूस करना है, डायोस को प्रोड्यूस करना है, 1-2 डायब्रोमो इथीन एक जगह पोजिशन पर क्या है आपका ब्रोमिन, दोनों पोजिशन पर हमारे क्या है ब्रोमिन, ठीक है, Na2CO3 ये था सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, दोनों का एक ही काम होता है डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस करना, Na फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से क्या एलिमिनेट हो गया, NaBr को हमने बाहर निकाल लिया, NaBr एलिमिनेट हो गया, ये CO2 है, CO2 किसके नाम से बाहर निकल गई, CO3 CO2 के नाम से बाहर निकल गया, और साथ में क्या निकल गया, ट्वाइस ऑफ NaCl दिख रहा होगा आपको, NaBr ट्वाइस ऑफ NaBr, ये Na हो गया, ये 2Br बाहर निकल गया, ये निकल गया CO2, अब बचा क्या है, इधर O बचा है, इधर O बचा, इधर दो H बचे, तो एक OH ऊपर जुड़ गया, एक OH नीचे जुड़ गया, इस मेथड इस थ्रू इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, डायल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये थे आपके चार मेथड टू प्रिपेयर द डायल्स। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायहाइड्रिक अल्कोहल्स या डायल्स, हम फिजिकल कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, डायहाइड्रिक अल्कोहल इज ए मेनली ग्लिसरॉल एग्जिबिट द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज ए कलरलेस सिरप लिक्विड एंड स्वीट इन टेस्ट, स्वीट टेस्ट का होता है, कलरलेस सिरप होता है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 197 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट इज -11.50 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट 197 है जबकि मेल्टिंग पॉइंट -11.50 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, इट इज मिसेबल इन वाटर एंड इथेनॉल, इट ऑल प्रपोसेस बट इट इनसॉल्युबल इन ईथर, सॉल्युबल किस में होता है, वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, मैंने आपको बोला भी बार बार एंटीफ्रीज की तरह यूज होता है, कार रेडिएटर में यूज होता है, तो वाटर में मिक्सअप हो जाता है इजीली, जो कार में रेडिएटर में कूलिंग के लिए यूज होता है उसमें वाटर में मिक्स किया जाता है इसको, इट इज टॉक्सिक एज मिथेनॉल व्हेन टेकन ओरली, जस्ट लाइक ए मिथेनॉल ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, जैसे कि मिथेनॉल को ओरली नहीं ले सकते वैसे ही इथाइलीन ग्लाइकोल डायरेक्टली टच नहीं कर सकते बॉडी से, क्योंकि यह क्या होता है बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, इट इज वाइडली यूज एज ए सॉल्वेंट एंड एज इन एंटीफ्रीज एजेंट, ठीक है, सॉल्वेंट की तरह यूज तो किया जाता है लेकिन एक तरह का क्या है एंटीफ्रीज एजेंट होता है, तो इस तरह से हम ग्लाइकोल को डायोल्स को हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में, यानी कि ग्लाइकोल यानी कि डायोल्स यानी कि डायहाइड्रिक अल्कोहल, इसके कई नाम है जैसे मैंने बोला ग्लाइकोल डायोल्स और डायहाइड्रिक अल्कोहल को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है और ये किस तरह से केमिकल रिएक्शन में क्या करता है पार्टिसिपेट करता है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।